नमस्कार दोस्तों, ऑटो प्रीपेड लर्निंग में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे इस कंप्रेसर का मेंटेनेंस। तो पहले मैं चेंज करूंगा इस कंप्रेसर का ऑयल। ये मेरा मेन कंप्रेसर है जिससे मैं पूरे कार को स्प्रे पेंटिंग कर सकता हूँ। तो चलते हैं कंप्रेसर के पीछे, और कंप्रेसर के पीछे जाके आपको इधर इसका ऑयल लेवल चेक करने के लिए इधर एक ग्लास रहेगा, उसमें से देखा तो आपको अपना ऑयल कितना है वो देख सकते हैं आप। मेरा ऑयल लेवल ठीक है, लेकिन बहुत यूज़ किया है इसको स्प्रे पेंटिंग में, और अभी टाइम है इसका ऑयल चेंज करने का, इसलिए मैं इसका अभी ऑयल चेंज करूँगा। अभी ये ऊपर का बोल्ट जो है वो है ऑयल डालने के लिए, और ये नीचे वाला ये वाला जो है वो ऑयल ड्रेन करने के लिए है। ये कंप्रेसर पे देखिए कैसा वार्निंग है, वो बिना ऑयल के कंप्रेसर चालू नहीं कर सकते हो और ज़्यादा भी ऑयल इसमें नहीं रख सकते हो। तो मेरा इधर जगह थोड़ा कम है, तो इसको लकड़ी का टुकड़ा मैं इधर रखूँगा सपोर्ट के लिए, और ऐसा वाला कंटेनर मैं इधर रखूँगा। अगर आपका ज़्यादा स्पेस है तो आप इधर भी कंटेनर रख सकते हो। तो अच्छा सपोर्ट इस कंटेनर को मिलना चाहिए क्योंकि इसमें अभी ऑयल गिरेगा, तो अच्छे तरह से इसको सपोर्ट दीजिए और स्टेबल बनाइए। ये मेरा स्टेबल हो गया है, इधर आप देख सकते हैं कैसा मैंने लकड़ी के टुकड़े का सपोर्ट लिया है और एक साइड में कंप्रेसर का सपोर्ट लिया है। तो ऑयल कलेक्ट करने के लिए मैं इसे एक कंटेनर इधर रखूँगा, और एक कंटेनर ऐसा रेडी रखूँगा अगर ऑयल ज़्यादा आ गया तो। बाद में वेट निकाल के देखेंगे कितना ऑयल हमने निकाला है वो। अभी आपको एक सॉकेट लेके ये ड्रेन बोल्ट जो है वो निकालना है। तो ये ड्रेन बोल्ट बिल्कुल भी टाइट नहीं था, ऐसे ही स्नग किया था इसको। तो वापस डालते समय याद रखेगा कि ये बोल्ट आपको ज़्यादा टाइट नहीं करना है, सिर्फ हल्के से टाइट करना है। तो ये निकल गया मेरा बोल्ट और मेरे ऑयल आने को हो गई चालू। तो अब मैं इसको पूरा ड्रेन करूँगा, और ये है वो बोल्ट जो मैंने अभी इधर से निकाला है वो। तो ये कंटेनर मेरा ऑलरेडी ऑलमोस्ट फुल जैसा हो गया है। अब मैं इसको निकाल के दूसरा वाला डालूँगा, क्योंकि ये मेरा सेटअप गिर जाएगा तो ये पूरा ऑयल गिर के इधर पूरा मैस हो जाएगा, तो इसलिए अभी मैं ये नया वाला कंटेनर लगाऊँगा और इसमें बाकी का ऑयल छोड़ दूँगा। तो ऑयल मेरा इधर ड्रेन हो गया है, अब मैं ये कंटेनर जो है वो निकालूँगा, और ये सब ऑयल जो मैंने अभी निकाला है वो सब ऑयल मैं अभी वे करके देखूँगा कितना ऑयल इधर से मैंने निकाला है वो। तो ये एम्प्टी कंटेनर मैं इस वेइंग स्केल पे रखूँगा और ये वेइंग स्केल चालू करूँगा। इधर आप देख सकते हैं 0 ग्राम्स दिखा रहा है। तो अब मैं पूरी ऑयल इस कंटेनर में डालूँगा, तो देखते हैं कितना आता है वो। तो इधर आप देख सकते हैं 1137 ml इसमें था, तो इसमें ऑलमोस्ट 1 लीटर जैसा जाता है। तो अब मैं ड्रेन बोल्ट जो है वो वापस डालूंगा। अब ये बोल्ट जो है वो आपको ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है, इसको थोड़ा सा स्नग मिला तो काफ़ी है, क्योंकि ये बहुत ही लूज़ था। अब मैं डालूंगा इसमें ऑयल, और ऑयल इसका रिकमेंडेड ऑयल है 20W40। ये आपके कंप्रेसर के मैनुअल के ऊपर लिखा रहेगा, मेरा रिकमेंडेड ऑयल है 20W40। तो कोई भी कंपनी का 20W40 ऑयल मैं यूज़ कर सकता हूँ। आपके कंप्रेसर का कौन सा रिकमेंडेड ऑयल है वो आप अपने कंप्रेसर के मैनुअल पे देख सकते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं मेरा ग्लास इंडिकेटर में 0 ऑयल दिखा रहा है। तो अब मैं इसमें ऑयल डालने को चालू करूँगा। तो इधर मैं एक 30 mm सॉकेट लेके पहले ये ऑयल कैप का बोल्ट निकालूंगा। तो ये भी बोल्ट बहुत ही लूज था, तो वापस डालते समय ज़्यादा टाइट आपको नहीं करना है। तो अब मैं चालू करूँगा ऑयल डालने को। तो बीच बीच में आपको देखना है आपका ऑयल लेवल कितना है वो। तो इधर आप देख सकते हैं मेरा ऑयल लेवल कितना हो गया है वो। अब मैं और थोड़ा ऑयल इसमें डालूँगा। तो फिर से मैं ऑयल लेवल चेक करूँगा इधर, और इधर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट मेरा ऑयल फुल हो गया है, और थोड़ा ऑयल डाल के इसका बोल्ट में वापस डालूँगा। ऑयल डाल के मेरा इधर हो गया है, इधर आप चेक कर सकते हो मेरा ऑयल अभी फुल दिखा रहा है। अब मैं ऑयल कैप का बोल्ट वापस डालूँगा, और याद रखिए ये आपको ज़्यादा भी टाइट नहीं करना है। अब आपको एक टिश्यू पेपर लेके इधर बाहर अच्छी तरह से वाइप करना है, ताकि कोई ऑयल लीकेज है तो आपको मालूम पड़ेगा ये ड्राई करने से। तो ऑयल तो हमने अभी चेंज कर दी है, अब मैं इसका एयर फिल्टर चेक करूँगा। तो एयर फिल्टर चेक करने के लिए आपको पहले ये
अनस्क्रू करना पड़ेगा। बाद में आपको एक कवर निकालना है और इधर अंदर ये एयर फिल्टर है वो आपको बाद में निकालना है। ये कंप्रेसर आप रोज़ यूज़ करने से पहले एयर फिल्टर निकाल के आपको एक हवा का प्रेशर पाइप लेके इसमें हवा मारना है और कुछ धूल भी है तो इसमें से निकालना है यूज़ करने से पहले। तो इधर मेरा एयर फिल्टर टिक टाक लग रहा है तो इसको मैं अभी वापस डालूँगा। तो एयर फिल्टर मेरा इधर चेक करके हो गया है। अब आपको सब आपके कंप्रेसर पे जितने भी बोल्ट है वो सब आपको चेक करने हैं टाइट है या लूज़ हो गए करके, क्योंकि कंप्रेसर यूज़ करते करते आपके सब बोल्ट्स जो है वो वाइब्रेशन से लूज़ हो जाते हैं। तो ये सब बोल्ट्स को आपको अच्छी तरह से टाइट करना है अगर आपके लूज़ हो गए तो। बाद में प्रेशर स्विच जो है वो भी आपको चेक करने हैं और ये पाइप्स जो है उसके भी नट्स आपको चेक करने हैं। तो ये थे कुछ मेंटेनेंस टिप्स कंप्रेसर के। तो अगर आपने मेरे फेसबुक पर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उधर जाके अपना ईमेल डालिए और उस ईमेल पे मैं वो बुक भेज दूंगा। और अगर आप मेरे एक्सक्लूसिव स्प्रे पेंटिंग का बुक खरीदना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उधर जाके आप उस लिंक पे जाके अमेज़ॉन पे पहुँचेंगे और उधर से आप वो बुक खरीद सकते हैं। उसमें 100 से भी अधिक फ़ोटोज़ है, उसमें सब फोटोज़ देख के आप स्प्रे पेंटिंग का नॉलेज ले सकते हैं। तो अगर आप खुद के कार या बाइक को स्प्रे पेंटिंग करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने को मत भूलिएगा और बेल आइकन का दबाएं मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आने के लिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपको लेके आता रहूँगा। तब तक अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे।